आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ते। तो चलिए मलाई कोफ्ते की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने ये पनीर लिया है 200 ग्राम और मैंने दो आलू लिए हैं, उबाल लिया है इनको। अब इनको अच्छे से हम दोनों को मैश कर लेंगे। पनीर को हमें अच्छे से बिल्कुल मैश कर लेना, इसमें कोई भी वो नहीं रहना चाहिए, इसमें एक भी लम्स। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए पनीर बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए, ना ही पनीर के अंदर और ना ही आलू के अंदर। देखिए इसको हमने अच्छे से आटे की तरह बिल्कुल एक गूंद लेना है। अब ऐसे ही हमें आलू को भी अच्छे से मैश कर लेना है बिल्कुल, ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रहे, बिल्कुल प्लेन। मैंने 200 ग्राम पनीर के अंदर करीबन दो पोटैटो लिए हैं, बॉयल पोटैटो। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों को। ये देखिए मैंने दोनों को अच्छे से मैश कर लिया, बिल्कुल मिक्स, अच्छे से चिकना, क्योंकि हम कोफ्ते बना रहे हैं तो इसमें एक भी गांठें नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा जो डो है वो कोफ्ते का तैयार होगा। मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, दो चम्मच के करीब मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चाहे तो मैदा भी यूज कर सकते हैं, चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि जो हम कोफ्ते बनाएंगे, जब उनके हम पेड़े बनाते हैं तो जब हम उनको फ्राई करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर पनीर और आलू ही है, तो इनको बाइंड करने के लिए मैंने ये दो चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है, ताकि ये फ्राई करते हुए टूटे ना। अब मैं इसका एक डो अच्छे से तैयार कर लूँगी। ये देखिए हमारा डो जो बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसके गोले बना लूँगी। ऐसे आप राउंड शेप में इसके ऐसे ऐसे बहुत सारे गोले बनाएं। ये देखिए पूरे आटे के अब आप ऐसे ही छोटे छोटे गोले बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया है। मैं अभी जब मैंने हमने गोला बनाया है उसको हमने हल्का सा ऐसे छेद करेंगे और उसके अंदर हम अपना ड्राई फ्रूट फिल कर लेंगे। फिर हम फिर से गोला बनाएंगे। सॉरी ये मैं पहले आपको बताना भूल गई थी। ये देखिए ऐसे आपने गोले तैयार कर लेने हैं सारे। मैंने सभी कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल डालकर गरम करने रख दिया था। अब ये गरम हो गया है, आप देख सकते हैं कि भाप निकल रही है, लेकिन हमने इसको मीडियम गैस पर ही हम इनको तलेंगे, नहीं तो ये टूट सकते हैं। मैंने पहले एक छोटा सा इसमें ड्राई करने के लिए डाल दिया था। ये देखिए कितने अच्छे से ये देखिए हमारा कोफ्ता एकदम रेडी है। बाकी भी सभी हम ऐसे ही डाल देंगे, एक एक करके सभी कोफ्ते हम डाल देंगे। डालने के 20-30 सेकंड तक आप इनको ना टच करें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। कम से कम इनको हल्का सा, और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए इनको बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से ही आपने उलटना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ पनीर और आलू ही है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए सुनहरा होने तक हमने इनको अच्छे से तलना है। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, गैस को मीडियम ही रखना है ताकि जो ये अंदर तक अच्छे से पक सके। वैसे इसमें कच्चा कुछ भी नहीं था, सिर्फ पनीर और पोटैटो ही है, थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था। ये रेडी हो चुके हैं, अब इनको हम प्लेट में डाल लेंगे। मैंने सभी कोफ्ते एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इनको साइड में रख देंगे और हम तैयार करेंगे इनकी ग्रेवी।
कोफ्ते की मलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर वही कढ़ाई ली है, इसका मैंने एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो निकाल दिया है। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। सबसे पहले डालेंगे जीरा, एक तेज पत्ता, दो टुकड़े दालचीनी के, 10 से 12 ये काली मिर्च हैं, साबुत काली मिर्च, 2 से 3 छोटी इलायची। थोड़ा सा इनको हिलाएंगे 2 मिनट के लिए, तब तक थोड़ा हल्का सा जीरा जो है वो चटकना ना लग जाए। मैं यहाँ 2 लौंग भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी रफली कटे हुए प्याज, हमने यहाँ पर प्याज को भूनना नहीं है, हल्का सा रेड होने तक, हमने इनको पिंक होने तक ही फ्राई करना है, बिल्कुल भूनना नहीं है हमने, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए प्याज का हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लाल मिर्च, इनको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। हमारे मसाले भून चुके हैं, अब मैं इसके अंदर चॉप प्याज डाल दूंगी, ये मैंने रफली चॉप किए हैं। मैंने 2 प्याज लिए थे और उसका डबल 4 मैंने टमाटर काट के उसमें डाल दिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, इसमें वाइट सॉल्ट डाल दिया है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमने सॉफ्ट होने तक इनको ढककर कम से कम 10 मिनट तक हमने इनको पकाना है। मैं इसके अंदर 3-4 टुकड़े अदरक के डाल रही हूँ और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं। ये आप टमाटर डालने से पहले भी डाल सकते थे, मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने इनको सिर्फ सॉफ्ट करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है, हमने इनको पकाना नहीं है, क्योंकि हमने इनको मिक्सर में ग्राइंड करना है इनको, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने अभी इसमें प्याज, इसमें लहसुन और अदरक डाल दिया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, थोड़ी कसूरी मेथी मैंने डाल दी है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 10 से 15 मैंने यहाँ पर काजू के टुकड़े डाल दिए हैं। काजू डालने से जो एक ग्रेवी में कलर आएगा और थिकनेस आएगी, जो कि हमारी मलाई कोफ्ते के लिए, कोफ्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी लगेगा खाने में। अब इसको मैं कम से कम 10 मिनट तक ढक के ऐसे ही पकाऊँ। ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी साइड में छूट गया है। हम गैस बंद कर देंगे, हमें ऐसे ही सॉफ्ट चाहिए। हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो गया है, मैं इसको जार में निकाल दूंगी। मैंने सारा ये जार में निकाल लिया है, मैं इस तेज पत्ता को बाहर निकाल दूंगी, इसको हम ग्राइंड नहीं करेंगे अच्छे से। मैं इसको अब मिक्सी में, देखिए हमने अपना अच्छे से मिक्स कर लिया है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको छान लेते हैं मोटी छलनी से, ताकि ये बिल्कुल मलाईदार ये ग्रेवी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल ही स्मूथ और सिल्की है, तो मैं इसको नहीं छानूंगी। मैंने यहाँ कढ़ाई दोबारा से रख दी है, इसको थोड़ा गर्म होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा बटर डाल दिया है। बटर को अच्छे से हमने मेल्ट कर लेना है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से जो टेस्ट आता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बटर। ये हमने, मैंने इसको मेल्ट कर लिया है। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपनी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और जो तेज पत्ता मैंने निकाल दिया था वो मैं फिर से इसके अंदर डाल रही हूँ। 10 सेकेंड के लिए इसको भूनेंगे। मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपनी ग्रेवी, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। हमने ग्रेवी को अभी कम से कम 5-10 मिनट तक ढककर और पकाना है, जब तक कि ये साइड से अच्छे से तेल छोड़ना स्टार्ट ना कर दे।
ये देखिए हमारी ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है। अगर आपको ग्रेवी हल्की थिक लग रही है तो आप इसमें पानी मिला सकते हो। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी अभी ऐड करूंगी, आधा गिलास या एक कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। हल्की सी कसूरी मेथी बिल्कुल अच्छे से उसको मैंने पीस लिया था, पिसी हुई कसूरी मेथी आप इसमें डाल सकते हो। इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम क्रीमी है। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, छलनी से छान लेते हैं ताकि ये जो ग्रेवी है ये और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाए, लेकिन मैंने इसको बिना छाने ही ऐसे ही इसको मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसे ही पसंद है। आप चाहें तो इसको मोटी छलनी में छान भी सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं इसके अंदर फ्रेश जो मलाई है वो मैं डाल रही हूँ, कम से कम 2 या 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको ढककर कम से कम 5 मिनट तक पकाऊंगी। मैंने इसके अंदर 3 से 4 चम्मच मलाई डाल दी है, इसको मैं अभी 5 मिनट तक ढक दूँ। मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम रेडी है। हम अपने कोफ्ते इसके अंदर नहीं रखेंगे, नहीं तो वो टूट सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो हम मलाई को ही कोफ्ते पर डाल देंगे। मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो शुगर है वो ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो हनी भी डाल सकते हैं, इससे जो कोफ्ते हैं उनमें एक मिठास आती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसको 2 मिनट तक मैं और पकाऊंगी ताकि जो हमारी जो चीनी है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी डिश, कोई भी डिश अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी, आपने ट्राई की या नहीं की। इससे क्या है ना कि एक कॉन्फिडेंस आता है बनाने में और मैं खुश होकर बनाती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हमारी जो ग्रेवी है, जो मलाई है, वो एकदम रेडी है सर्व करने के लिए, तो चलिए सर्व करते हैं। अब हम अपनी ग्रेवी जो है वो कोफ्तों पर डाल देंगे। यम्मी और डिलीशियस जो हमारे मलाई कोफ्ते हैं वो एकदम रेडी हैं। इसके ऊपर से मैं कुछ धनिया की पत्तियाँ, ये देखिए हमारे डिलीशियस मलाई कोफ्ते खाने के लिए एकदम रेडी है, यम्मी एंड टेस्टी।